दोस्तों, दुनिया में हर समय हर दिन कुछ न कुछ घटनाएं घटती रहती हैं जिसके बारे में जानकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक अविश्वसनीय घटना के बारे में बताएंगे जिसमें एक सर्जन ने खुद से अपना अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर लियोनिड रोगोजॉब पेशे से एक सर्जन थे जिन्होंने खुद की अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके इम्पॉसिबल लगने वाले काम को पॉसिबल करके दिखाया। रोगोजॉब 1960 के करीब 26 साल की उम्र में सोवियत अंटार्कटिक अभियान के साथ जुड़े थे। कुल इस अभियान में 13 मेंबर थे जिसमें से वो अकेला ही थे जो डॉक्टर थे। बात उस समय का है, नोबला जारेव्स्काया स्टेशन अंटार्कटिका, साल 1961, 29 अप्रैल की सुबह अचानक रोगोजॉब महसूस किए कि उनकी पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द हो रहा है और हल्की फीवर भी वो महसूस किए। कुछ देर बाद कमजोरी भी महसूस हुई। 30 अप्रैल आते आते वो समझ गए कि उनकी एक ऐसी चीज हुई है जिसका इलाज ऑपरेशन के सिवाय कुछ भी नहीं है। उसका नाम है अपेंडिसाइटिस। शाम आते आते उनका हालत बिगड़ना शुरू हुआ और इधर पूरी अंटार्कटिका में स्नोफॉल और बहुत तेज हवा चल रही थी। उनका नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिर्नी का डिस्टेंस 1600 किलोमीटर था और ऐसी क्लाइमेट में विमान सर्विस भी पूरी तरह से ठप थी। रोगोजॉब को समझने में देर नहीं लगी क्योंकि उनके हाथ में एक ही विकल्प है कि वो खुद का ऑपरेशन खुद करने का। उन्होंने देर न करके रात को 2 बजे खुद का ऑपरेशन की तैयारी शुरू किए। उन्होंने सोचा कि उनको ऐसी पोजीशन में सोना होगा कि पेट का निचला हिस्सा वो देख पाए। ऑपरेशन को असिस्ट करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 आदमी थे जिनका डॉक्टरी से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उनमें से एक थे कार का ड्राइवर और दूसरा थे एक जियोलॉजिस्ट, और वो उन्हें ऑपरेशन के वक्त जरूरी सामान रोगोजॉब को देने के लिए मौजूद थे। उनके कार के ड्राइवर रोगोजॉब की पेट के निचले हिस्से में एक मिरर पकड़ करके खड़ा रहे। रोगोजॉब खुद को लोकल एनेस्थेसिया 0.5 नोमोकाइन इंजेक्ट किए। उसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद वो अपने पेट को 10 से 12 सेंटीमीटर काटे और इसके बाद वो अपने अपेंडिक्स को काटना शुरू किए। उनका अपेंडिक्स का कलर ब्लैक हो चुका था। अगर एक भी दिन ऑपरेशन करने में देर होता तो वो कट सकता था। रोगोजॉब समझ गए ऑपरेशन करते करते वो कई बार ब्रेक लिए क्योंकि उन्हें वीकनेस फील हो रही थी। खुद का ऑपरेशन खुद करने में कई घंटे लगे। खैर कि ऑपरेशन सफल रहा। सोवियत संघ यानी आज के रशिया के तरफ से अविश्वसनीय और अद्भुत काम करने के लिए उनको ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर पदक से सम्मानित किया गया। 1962 में वो अपने घर सही सलामत लौट आए। साल 2002 में फेमस सर्जन रोगोजॉब की 66 साल की उम्र में डेथ हुई लंग्स कैंसर की वजह से। दोस्तों, जिंदगी जीने की चाहत हो तो वैसी, वरना ना हो। आजकल लोग अपने ऊपर जरा सी मुसीबत नहीं देखे कि अपनी जिंदगी से हार जाते हैं। ऐसे लोगों को लियोनिड रोगोजॉब से सीख लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।